हेलो दोस्तों, जीके रिएक्शन में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर का जो बजट पास हुआ है उसके ऊपर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। सवाल ये है कि आप हर बात में ये कहते हैं सबूत पेश किया जाए, सबूत पेश किया जाए। आपने ये जो भी कहा है कि इंडिया इन्वॉल्व है इमरान खान के साथ, इसका कोई सबूत है? बिल्कुल है जी, वो बताएं। क्योंकि वही तालिबान जो 4 साल में इसने पाले हैं, ये उनको कहता था कि ये इनको प्रोटेक्शन दी जाए, इसने दी है। और इंडिया एक बात सुन लेना, मुझे बोलने नहीं देंगे आप। बोले आप। ये जो कहता था और 4 साल इसने इसके साये में पले हैं, उनकी ट्रेनिंगें इंडिया में हुई हैं, ठीक है। ये एजेंसियों के पास, हमारी फौज के पास, हमारी एजेंसियों के पास सबूत हैं। सुने, फॉरेन मिनिस्टर की अगर हवाले, फॉरेन मिनिस्ट्री सबूत हो चुका है कि इंडिया फॉरेन फंडिंग में, ये सबूत हो चुका है कि ये इंडिया की रा एजेंसी ने इसने फंडिंग ली है, वो तो सबूत हो चुका है। अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए? इसने 400 बंदा छोड़ा है, क्यों छोड़ा? ये बताएं, फॉरेन मिनिस्ट्री की अगर बात करें, इससे वो आपके पास है, ठीक है, ये मुझे इसका जवाब दे। बाद में आई है, तो वही बकरा था ना, पहले वही था। आप मुझे सर एक बात का जवाब दे, दहशत गर्दों से सारी टाइम मुजाकरात कौन करवाने को तैयार रहता था? 4 साल इन्होंने पाले और रखे। हम तो इंडिया में जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आंखों में आंखें डाल के कहा कि हमारे मुल्क से तो दहशत गर्द मारा गया है, और गुजरात का जो मोदी है वो वजीर आजम है, इसका क्या मतलब है? हमें इस चीज का बदला लिया जा रहा है क्योंकि हम एक इंसाफ पसंद सर। इससे और भी आप मुझसे पूछे तो मैं आपको पूरा अच्छी बात है कि आपने मुझे आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरनेशनल ट्रेड, आप मेरे साथ करंट अफेयर जिस तक करें, ठीक है। मुझे ये बताएं, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए, उससे हमारा ज्यादा फायदा है, इंडिया का ज्यादा फायदा है, या नहीं होने चाहिए? अगर सर कश्मीर के ऊपर, मेरे सुने बात, कश्मीर के ऊपर अगर डायलॉग हो जाता है तो जो कि दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है, कश्मीर के साथ अगर हमारा डायलॉग कामयाब हो जाता है तो इंडिया हमारा जो है वो उसके साथ हमारे ट्रेड होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? और इसके अलावा हमारे वहाँ पे मुसलमान है, हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, ठीक हो गया जी, वहाँ पे हमारी क्यों नहीं होनी चाहिए? ठीक हो गया, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा बात करके। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहें आप? बहुत से लोग इंडिया से आपको देख रहे हैं, बहुत से लोग पाकिस्तान से, यूके से, जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है, आप पीपल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, पाकिस्तान की एक सीनियर सिटीजन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंसानों की खिदमत के ऊपर बिलीव रखती है, ठीक हो गया। वो अपना पाकिस्तान के अंदर हो या कहीं भी हो, ये इंसानी हमदर्दियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उनके साथ हैं, और ये चाहती है कि इंसान इस दुनिया के अंदर, जैसा कि आपने कहा कि हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर बिलीव करता है, क्योंकि मेरी सुने बात, आपने पूछा कि टेक्नोलॉजी की क्यों नहीं बात कर दी, तो मेरे भाई पॉवर्टी ब्रीड्स क्राइम। अगर आप इस मुल्क के अंदर पॉवर्टी एलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो इस मुल्क के अंदर ऑटोमेटिकली खुशहाली आ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बल्कि पब्लिक से बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है। शुक्रिया जनाब, थैंक यू सर, अल्लाह। सवाल ये है कि आप हर बात में ये कहते हैं सबूत पेश किया जाए, सबूत पेश किया जाए। आपने ये जो भी कहा है कि इंडिया इन्वॉल्व है इमरान खान के साथ, इसका कोई सबूत है? बिल्कुल है जी, वो बताएं। क्योंकि वही तालिबान जो 4 साल में इसने पाले हैं, ये उनको कहता था कि ये इनको प्रोटेक्शन दी जाए, इसने दी है। और इससे एक बात सुन लेना, मुझे बोलने नहीं देंगे आप। बोले आप। ये जो कहता था और 4 साल इसने इसके साये में पले हैं, उनकी ट्रेनिंगें इंडिया में हुई हैं, ठीक है। ये एजेंसियों के पास, हमारी फौज के पास, हमारी एजेंसियों के पास सबूत हैं। सुने, फॉरेन मिनिस्टर की अगर हवाले, फॉरेन मिनिस्ट्री सबूत हो चुका है कि इंडिया फॉरेन फंडिंग में, ये सबूत हो चुका है कि ये इंडिया की रा एजेंसी ने इसने फंडिंग ली है, वो तो सबूत हो चुका है। अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए? इसने 400 बंदा छोड़ा है, क्यों छोड़ा? ये बताएं, फॉरेन मिनिस्ट्री की अगर बात करें, इस टाइम वो आपके पास है, ठीक है, ये मुझे इसका जवाब दे। बाद में आई है, पहले तो वही बकरा था ना, पहले वही था। जी जी, समझे भाई जी। इधर आप, इधर एक मिनट अगर बात करना चाहें, आपने बोला कि सबूत आ चुके हैं, मुझे ये बताएं, इस टाइम फॉरेन मिनिस्ट्री आपके पास है तो उसके ऊपर फिर एक्शन क्यों नहीं ले रहे आप? दुनिया को क्यों नहीं लेंगे एक्शन? लेंगे क्यों लेंगे? लेने ना, ये आए किस लिए आए हैं? इतजाज करने के लिए ना, हमारे लीडर को पता लग जाएगा ना कि इतजाज हो रहा है, वो भी कुछ ना कुछ करेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन्हें छोड़े क्यों बंदे? आप पकड़ लेना, आप पकड़। वालेकुम सलाम। आपका नाम?
मेरा नाम है जी राणा फकीर हुसैन। राणा फकीर साहब, आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें पहले। मैं शाहदरा से एमपीए का उम्मीदवार हूँ, सबक नाजम हूँ और शाहदरा का पीपल पार्टी का सदर हूँ। ठीक है, सवाल थोड़े से मेरे तल्ख होंगे, अगर आप बेहतर समझे जवाब देना आपकी मर्जी है। जैसे भी सवाल करेंगे आपका फर्ज है, मेरा फर्ज है सवाल जवाब। ठीक है, अभी ये जो रैली हो रही है, जो एहतजाज हो रहा है, इधर किस किसका जो सा पुतला है वो जलाया जा रहा है? ये इमरान नियाजी का, जिसने अभी 2-3 दिन पहले एक बयान दिया था कि आसफ अली जरदारी ने मेरी मौत के लिए मेरे किसी को हैर किया है दहशत गर्दों को, तो उसके लिए हम पुरजोर मजम्मत करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर रहनुमा इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जरदारी साहब या हमारी पीपल्स पार्टी में, यह हमारा पेशा नहीं है कि किसी को कत्ल कराना। ठीक है, अभी जमान पार्क में जाएं तो वहां पे एहतजाज या वहां पे लोगों का हजूम होगा? यहां पे पीपल पार्टी का हजूम है, 2 दिन पहले जमात इस्लामी का जलसा था, उससे पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान का जलसा था। कोई कहता है कि मजहब के खिलाफ बात नहीं करनी, कोई कहता है कि इलेक्शन करवा दो, कहीं पे धरना ऐसा क्यों नहीं होता कि एजुकेशन के ऊपर काम किया जाए? फिर हम भी साथ, यूथ भी साथ है, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके पाकिस्तान मजाक बनता जा रहा है दुनिया में और आप पार्टियाँ आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल आपने ये ठीक है, ये पाकिस्तान की जो बका की बात है वो ये सारी सियासी जमातें नहीं करती। आप भी उसी में आते हैं ना? मैं भी उसी में आता हूँ। ये हमें सोचना चाहिए कि जो हमारी जो आवाम है, ये आटा कितनी मुश्किल ले रहे हैं, घी कितनी मुश्किल ले रहे हैं, इनका ख्याल नहीं करते हम लोग। सभी को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। लेकिन सच बात ही जो सच्ची बात तो ये है कि जो जो इमरान नियाजी है, इसका 4 साल जो गंध डला हुआ है ना, अभी वो ही गुर्बत से गुर्बत में लोग जा रहे हैं, अमीर नहीं हो रहा, जो दरमियाना तबका था वो भी गुर्बत के लकीर से नीचे जा रहे हैं। अभी आपके ये जो लीडर स्पीच कर रहे हैं, इन्होंने बोला कि इमरान खान जो से हैं इनके पीछे इंडिया है, ये इंडिया के एजेंट हैं। इंडिया किधर पीछे से आ जाता है? इंडिया के एजेंट होते तो इंडिया के साथ ट्रेड बंद करते। मैं बताता हूँ आपको, ये इसलिए इंडिया कह रहे हैं कि जो हमारे तालिबान है ना दहशत गर्द पाकिस्तान में, जो अफगानिस्तान में बैठ के अपने उन्होंने अपने नुमाइंदे छोड़े होते हैं दहशत गर्द, उनकी सपोर्ट इंडिया करता है। और इमरान खान के दौर में जो सजाए मौत लोग हुए थे ना, इन्होंने उनको भी रिहा किया है। वो लोग दहशत गर्दी कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दूसरी जो हमें पीडीएम की जमाते हैं, हमने तो एक दहशत गर्द भी नहीं छोड़ा। जो इमरान खान ने अपने इकतदार में तकरीबन 300-400 लोग ऐसे छोड़े थे कि जो जिनकी सजाए मौत हुई थी, जिनको फांसी की सजाई हुई थी, दहशत गर्द थे। जो पाकिस्तान की कंडीशन है आने वाले 2-5 साल में क्या देख रहे हैं? कोई बेहतरी आएगी या माहौल मजीद खराब होगा? जो हमें नजर आ रहा है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नजर आ रही है। मैं समझता हूँ कि ये जो हालात आने वाले हैं ना, ये जो गुजरा वक्त से ही मुश्किल आएंगे, क्योंकि ये जो खेल गया ना इमरान खान, हुकूमत आपकी, आप कह रहे हैं मुश्किल हालात। मैं बताता हूँ ना आपको कि जो इमरान खान कर गया ना, उसको संभालने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। आप देख लें, जिस दिन की पीडीएम की हुकूमत आई है, एक भी करप्शन का स्कैंडल नहीं आया। हुकूमत आपकी या स्कैंडल आपकी, हुकूमत जाने के बाद आएगा ना। अभी 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 रेट जो उनसे हैं बढ़ रहे हैं। अभी अगर आपके बिलावल भुट्टो साहब की बात करें, जो इस टाइम फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके होते हुए कोई एक ऐसा कंट्री बता दें जिसके साथ हमने रिलेशन बेहतर कर लिया हो, रशिया के साथ कोई हमने रिलेशन बेहतर कर लिया हो, भारत के साथ, या कि अभी भी वो रशिया के विजिट पे गए हैं, कोई रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको, जिस दिन के बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए हैं ना, वजारत खारजा में सरबराह बने हैं, उस दिन की पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बेहतरी की तरफ जा रही है। जो इंडिया का हमारा तलक है, महाल करेंगे इंशाल्लाह, इनके साथ भी तजारत बहाल करनी चाहते हैं। लेकिन ईरान के साथ जो बाब ईरान बंद था 4 साल से, वो बिलावल साहब ने उसको ओपन कराया है, और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के साथ, जैसे बिलावल भुट्टो साहब टूर कर रहे हैं ना, वो हम दुनिया को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। इसने दुनिया को हमारा दुश्मन बना दिया था, इसने तालिबान को कहा था कि तालिबान को दफ्तर दें, तालिबान को अखराजात बर्दाश्त करें, ये पाकिस्तान में बैठ के आप दहशतगर्दी करें, ये इमरान खान का कहना था। हमने तो पूरी दुनिया को मजबूत करना चाहते हैं, दहशतगर्दी को कमज़ोर करना चाहते हैं।